आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरी पालन के बारे में और बकरी से क्या क्या फायदे हमें मिलते हैं, क्या उनका दूध बेचना चाहिए, क्या उनके बच्चे सेल होते हैं या बकरियां ही सेल होती हैं, कैसे इनसे फायदा मिलता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। युवा किसान साथी हमारे साथ हैं, दो भाई हैं और इनके पास कई सारी बकरियां हैं और पशु प्रदर्शनियों में भी ये लेके जाते हैं, चैंपियन पशु भी इनके पास हैं, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। राम राम भाई साहब। नमस्ते सर। एक छोटा सा परिचय दे दो जी अपना। मेरा नाम सर सुधीर कुमार सोलंकी है, गांव लुवारू, जिला भिवानी है सर, हरियाणा से बिलोंग करता हूं मैं। आपके पास जो है दो बकरियां है ना, सबसे पहला तीन की कौन सी नस्ल है, क्या उम्र है, उसके बारे में बताओ जी। सर ये गुजरी नस्ल की बकरी है दोनों सर। दोनों, अच्छा जी। कितनी उम्र होगी इनकी? उम्र इनकी ढाई ढाई साल है सर। कितनी बार बच्चा दे लिया अब तक इनने? ये चौथा ब्याह है जी। ठीक जी। हाँ जी। इसकी देखा बहुत तगड़ी अडर क्वालिटी है, तो ये क्या इसकी असली असली है, ऐसी होती है या कुछ? नहीं नहीं सर, ये तो असली है, ऐसी होती है, ऐसी कोई दिखावटी नहीं है कुछ भी। हाँ, हाँ। कुछ खिला पिला दिया इसलिए इनका अडर साइज बढ़ गया। दूध कितना दे भाई साहब? ये दूध ये 6 लीटर दूध देती है और ये 5 लीटर दूध देती है सर। तो 6 लीटर दूध तो एक अच्छी खासी भैंस या गाय नहीं दे पाती, कई बार तो हम 80-90 हजार की भैंस गाय खरीदते हैं, वो भी नहीं देती इतना दूध। तो सर ये देती है, कुछ प्रोडक्ट देते हैं और कुछ खुराक देते हैं सर, हरी पत्ती होगी, गुआर का नीरा हो गया, दाने हो गए सर, इस ऐसी चीज देते हैं जिससे इनका दूध भी बढ़ता है और ये कमजोर भी नहीं होती। प्रोडक्ट में क्या कुछ दे, कोई कैल्शियम वगैरह क्या कुछ दिया सर? सफेद दारा, सफेद दारा के नाम से आया प्रोडक्ट, वो दिया करो आपने। इसकी अगर कीमत की बात करें तो कितनी कीमत की बकरी होगी जी? कीमत सर इसकी 65,000 रुपए कीमत है सर इसकी। आप मांगो हो या इतने लाग लिए? नहीं इसके लग चुके हैं सर। और आप बेचते नहीं? हाँ, भिवानी में कंपटीशन हुआ था जब फर्स्ट आई थी सर। फर्स्ट आई थी है? हाँ जी सर। अब भी चांस है इसके आने के सर? अभी कंपटीशन हो रहा है? नहीं नहीं हुआ सर, अभी होएगा। ठीक ठीक जी। इसके अलावा और कौन क्या बकरे बकरियां लेके आ रहे हो? बकरी तो गुजरी की भी है सर, सोजत की भी है और बिटल की भी है। अगर इसकी बात करें एक बार में कितने टाइम में ब्याह जमा है जी? ये सर साल में दो बार ब्याहती है, 5 महीने से बकरी ब्याह लेती है सर। एक बार एक कितने बच्चे दे देवे एक बार में? बच्चे दो भी देती है सर, तीन भी दे देती है सर। अगर गोट फार्मिंग में आप बात करें मुनाफा की, तो कैसे मुनाफा मिले, अगर दूध बेच कर मिले के कैसे फायदा मिले जी? ये तो सर बच्चे बेच कर मतलब फायदा होगा सर। अच्छा, और जो फीमेल आएगी वो डबल अप कर देगी फार्म को, उससे मतलब फार्म ग्रोथ करेगा। अपन एक देसी का सुन रखी भाई, 10 रुपये सैकड़ा का ब्याज ना है ना बकरी पालन पाड़ से गए है, उसमें कितनी सच्चाई है जी? बिल्कुल सच्चाई है सर, साल में दो बार ब्याहती है, इसके ब्याह से पूरे हो जाते हैं, 10 गुणा ब्याज का पैसा या पाड़ सके सर। पाड़ सके जी, उसमें बच्चे सेल कर सका, दूध भी सेल कर सका। दूध भी सेल कर सका। किसान साथियों के कहना चाहोगे, गाय भैंस पालनी चाहिए बकरी पालनी चाहिए? मेरा मानना तो ये है सर, कम लागत की बढ़िया क्वालिटी की बकरियां ये अच्छी रहेगी सर, इससे बढ़िया और कोई मतलब पालक नहीं है, बकरियों का बढ़िया गोट फार्मिंग चलता है सर। और एक और दिक्कत रहा है जी, कोई भी किसान साथी पालना चाहो तो वो के भाई ये खुला में हमने चराने ले जानी पड़ेगी, तो आप घर न इनका ज्वार बरसम बाजरा कुछ इसी चीज ये हो सकता है सर। हाँ, फार्म के अंदर स्टॉल फीडिंग पर लगा दो तो ये चल जाएगा सर, चलती है। हाँ। ऐसा घुमाने फिराने वाला कोई दिक्कत नहीं है सर इसमें। साथियों बहुत तगड़ा बिजनेस बताया गया है ये, और एक युवा किसान साथी इन्होंने भी यही चीज बताई है। और कोई किसान साथी अगर आपका फार्म देखना चाहो तो पूरा प्रॉपर एड्रेस बता दो जी एक बार, लुवारू में कहाँ सी गांव है या लुवारू में प्रॉपर क्या जगह है आपकी? लुवारू में सर सोलंकी गोट फार्म के नाम से है सर ये फार्म आपका, और ये वार्ड नंबर 13 पुराना शहर लुवारू के अंदर स्थित है। और टोटल कितने पशु बताए आपने आपके फार्म पे? 30 से 35 है सर। और 4-5 साल तक भी फार्मिंग? हाँ फार्मिंग करे। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, दूसरे साथी साथ जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।